हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ हर्बल सेंटर। जैसे कि आपको पता है, हमें 131 इयर्स हो चुके हैं इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, और हमारी चार पीढ़ियां, मैं अपनी चौथी पीढ़ी से हूं जो आयुर्वेद के रूप में आप सबको सर्व कर रही है। तो आज का जो एक नया विषय आपके सामने मैं लेके आया हूं, वो एसिडिटी है। एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसको आयुर्वेद में अम्लपित्त कहा जाता है। हम अगर सीधे रूप में ये समझें कि एसिडिटी हर व्यक्ति को तब होती है जब वो किसी भी खाने को इजीली डाइजेस्ट ना कर पाए, या वो खाना खाकर उसके बॉडी में या उसकी जो स्टमक है उसमें पीएच वैल्यू एग्रीवेट हो जाए या बढ़ जाए। और मैं जानता हूं कि जो मेरे दर्शक मुझे आज सुन रहे हैं वो इस चीज को मानेंगे कि एसिडिटी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि इतना लोग पैनिक हो जाते हैं या लोग इतने एक अपने आप को सहूलत के लिए बहुत सारे लोग मेडिसिंस पे निर्भर करते हैं। वो सुबह उठकर खाली पेट वाला कैप्सूल जरूर खाते हैं ताकि उन्हें एसिडिटी ना हो। मैं उनकी ये दर्द को और ये चीजों को समझकर आज आपको इसके कुछ उपाय और एसिडिटी ना हो इसका इलाज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको इसका उपाय और इसकी जो घरेलू चिकित्सा है वो पूरी रूप से मिल पाए जानकारी, और आप ये खाली पेट वाले कैप्सूल और दवाइयों से छुटकारा पा सकें। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब आपकी पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाए या आपको कोई खाना प्रॉपरली ना पचे, वो एसिडिटी के रूप में आपको एक सिम्टम उभरता है, और वही एसिडिटी आपके सिर को अगर चढ़ जाए तो इसको माइग्रेन कहा जाता है। पहले रूप से जिसको भी एसिडिटी हो वो एक जरूर अपने आप को एनालाइज करे, सेल्फ एनालाइज करे, कहीं उसका पेट कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, मतलब जो उसका मल है क्या बायोलॉजिकली एक बार साफ होता है, या वो दिन में 3-4 बार ही जाता है, या दिन में एक बार भी नहीं जाता। आदि समस्या एसिडिटी की कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को दूर कर दें तो आपकी एसिडिटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर एसिडिटी ठीक हो जाएगी तो आपका माइग्रेन ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई भी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आधा सिर पूरा सिर कभी भी किसी का नहीं दुखेगा। दूसरा, आपको ये जरूर सुनिश्चित करना है कि जो एसिडिटी हो रही है क्या वो स्पेसिफिक फूड खाने से हो रही है। जैसे बहुत सारे लोगों को नॉनवेज खाने से होती है, बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट खाने से होती है, या बहुत सारे लोगों को हैवी मील मिर्च मसाला या तीखी चीज़ों से होती है। तो इससे हमें यह एहसास करवाना है या ये समझना है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उन खाना को या उन पदार्थों को पचाने में असमर्थ है, वो नहीं पचा पा रहा, तभी आपको उस चीज़ों से एसिडिटी हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने लिवर को टोन करना है, क्योंकि आपका लिवर आपकी बॉडी में किचन के रूप है। अगर किचन में अच्छा खाना पकता है तो पूरी फैमिली स्वस्थ रहती है। वैसे ही अगर आपका लिवर ठीक है तो आपके सारे ऑर्गन्स पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आपके लिवर टॉनिक लेने चाहिए या लिवर को टोन अप करना चाहिए, ताकि जो खाने की अब्सॉर्प्शन है आपके शरीर में वो पूर्ण रूप से हो सके, और आपका जो खाना टॉक्सिन्स ना बनाए आपकी बॉडी में, आपकी धातुओं का उपयोग करे, बल्कि आपके धातुओं को वो नरिश करे। तीसरी बात, जो एसिडिटी आपको अक्सर होती है क्या वो सुबह के टाइम ज्यादा महसूस होती है या आपको पूरे दिन वो एसिडिटी रहती है। अगर आपको सिर्फ सुबह के रूप में प्यूकिश फील होता है, एसिडिटी फील होती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो रात खाया हुआ खाना है वो प्रॉपर रूप से पच नहीं रहा, और उसके कारण है कि आप लेट खाना खाओ
या हैवी खाना खाओ रात को या तला हुआ खाना खाओ, वही रूप में सुबह आपको एसिडिटी हो सकती है। तो हमें ये भी तय करना है कि हमें अगर ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है तो रात का खाना हम हल्का खाएं और सूर्यास्त से पहले खाएं ताकि वो इजीली पच जाए। खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप जरूर हो। ये चीज़ें करने से आप घर पे ही बिना किसी कैप्सूल के, बिना किसी दवाई के ठीक हो सकते हैं। और कुछ ऐसी घरेलू उपाय भी हैं जो आपको एसिडिटी में राहत देते हैं, जैसे छोटी इलायची। हम सबके घर में छोटी इलायची होती है, आप अपनी पॉकेट में अपने साथ जरूर रखें। जब भी आपको एसिडिटी महसूस हो, बजाय कि केमिकल वाले कैप्सूल खाएं, आप उस छोटी इलायची को मुंह में रखें और उसको चूसें। उसका रस एसिडिटी को पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम होता है, तो आप एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो ठंडा दूध जो फ्रिज में होता है, आप उसको सीधा रूप से, उसको बिना किसी मीठे, बिना किसी और चीज़ को डाले, आपको सीधा उसको पीने से भी एसिडिटी में आराम मिलता है। तीसरा, तुलसी का रस। आपके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है, यही तो तुलसी का रस मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप तुलसी के 2-3 बूंद रस के आप पानी में घोलकर उसे दिन में 2-3 बार पिए, तो एंटा एसिड के साथ आपका एंटी बैक्टीरिया का काम भी करता है और आपको खाना पचाने भी हेल्प करता है, लिवर को टोन करता है। अगर आपको लिवर के साथ कोई फैटी लिवर, लिवर सराइसिस Grade 1, 2, 3 कुछ भी ऐसा समस्या है, तो हम आपको एक और वीडियो के साथ आपको लिवर के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसके बारे में बताएंगे। और घर में आप इसके साथ एसिडिटी को, अगर आपने शहद आपके घर में है तो शहद बहुत लाभकारी है। आप शहद के 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में घोल कर पीने से आपकी एसिडिटी की समस्या ठीक हो सकती है, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें, टिप्स को आप फॉलो करें। अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो लोगों को ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपको और ऐसी डिजीज़ के बारे बताएं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को ज़रूर हमारे चैनल के बारे बताएं। एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।